गोंड पिपरी में मिट्टी के मटके बनाने वाले व्यवसायियों का रोजगार संकट में दिखाई दे रहा है। ग्रामीण तथा शहरी भागों में शुद्ध तथा ठंडे पानी के लिए कैन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने से मिट्टी के मटका बनाने वाले व्यवसायियों में चिंता का वातावरण दिखाई दे रहा है। नैसर्गिक मिट्टी से बने मटके रंजन द्वारा ठंडे पानी का आस्वाद लेने वाले नागरिक अब बॉटल कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण मटके बनाने वालों पर व्यवसाय को बंद करने का समय आ चुका है। होटल, शादी विवाह, छोटे बड़े दुकान, ब्याहों में भी ठंडे पानी के लिए मटकों की जगह कैन ने ले ली है। कैन का पानी पीना एक प्रकार से प्रतिष्ठा की बात हो चली है, जिसके कारण अनेक वर्षों से मटके बनाने वाले कुम्हार समाज पर संकट का बादल मंडराने लगा है। बाजारों में भी मटके लेने से नागरिक कतरा रहे हैं। इस तपती धूप में ठंडा और शुद्ध पानी पीना योग्य है, मात्र परिस्थिति और प्रतिष्ठा कारण नैसर्गिक चीजों की ओर नागरिक दुर्लभ कर रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका असर होता है, क्यों धीरे धीरे मनुष्य का जीवन कम होता चला जाता है। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए नागरिकों ने अधिक से अधिक मात्रा में नैसर्गिक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, ऐसा प्राध्यापक रवि तावडे ने कहा। कॅनचं पाणी चालू झाल्यामुळे, कॅन विकत असल्यामुळे मडक्याचं विक्री कमी झाली आहे मार्केटमध्ये, लोक त्या नॅचरल पाण्याकडे वळले, त्यामुळे आमचा धंदा कमी झाला असून जीवनावर परिणाम आला। सी टी न्यूज के लिए हमारे विशेष संवाददाता नितेश डोंगरे की रिपोर्ट।